Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं generalized reading करने जा रही हूँ जो कि Taurus यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है. ये reading April 2021 के लिए है. ये एक generalized reading है. हो सकता है ये reading आपके साथ completely resonate हो सकता है ये reading आपके साथ partially resonate हो सकता है ये reading आपके साथ बिल्कुल भी resonate ना हो. सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपने किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो लेट्स सी अप्रैल 2021 टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है. व्हाट आर द एनर्जीज फॉर टॉरस पीपल फॉर अप्रैल 2021. व्हाट आर द एनर्जीज फॉर टॉरस पीपल फॉर अप्रैल 2021. व्हाट आर द एनर्जीज फॉर टॉरस पीपल फॉर अप्रैल 2021. व्हाट आर द एनर्जीज फॉर टॉरस पीपल फॉर April 2021. ओके सो यहां पर है जजमेंट का कार्ड. फर्स्ट कार्ड द कार्ड इज एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यहां पर थोड़ा सा कार्ड्स एडजस्ट कर लेते हैं. ओके ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है टेन ऑफ कप्स. ब्यूटिफुल एनर्जी टॉरस पीपल. ओके सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. टॉरस पीपल, आप लोग अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे कुछ अप्रैल में, चाहे वो डायरेक्शन आपकी लव लाइफ की हो, चाहे वो डायरेक्शन आपके करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, जॉब में हो, जॉब में जॉब चेंज के ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर, और आप अपने बिजनेस में भी अपने काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस लेकर आएंगे. ठीक है, आपको गाइडेंस मिलने वाली है. आपको डेफिनेटली कहीं से गाइडेंस मिलेगी और जो गाइडेंस आपको मिलेगी वो बहुत ही परफेक्ट गाइडेंस आपको मिलेगी जिसकी वजह से सक्सेस की एनर्जीज पर आप चल पाएंगे. आपका पिछला साइकिल मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा साइकिल रहा है जहाँ पर आपने पेन देखी है. पिछली बार की एनर्जीज मुझे ध्यान है तो जो वो पेन वाला साइकिल था उससे अब आपकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है और आप अच्छी डायरेक्शन में मूव करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. फर्टाइल डायरेक्शन होगी जिस भी डायरेक्शनल चेंज की तरफ को आप मूव करेंगे. और अगर आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि उस गाइडेंस से आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे बदलाव हो सकते हैं तो उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा. ओके किसी नए इंसान से कम्युनिकेशन के यहाँ पर चांसेस हैं. जिस भी इंसान से आपकी कम्युनिकेशन नए तरीके से होगी वो आपकी वेलबींग के लिए ही आपकी ज़िंदगी में आया है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. ओके पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है. अगर आपकी लव लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर, फाइनेंसेस के अंदर, जॉब में, बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है ना, तो इस तरह की एनर्जी ख़त्म होने वाली है. जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका कम्युनिकेशन किसी इंसान से बनने वाला है, तो अगर किसी इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप बन गया था पास्ट में तो वो कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. ये एग्ज़ाम का टाइम अच्छा रहेगा अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो. ठीक है, आपके प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर हैं बिकॉज ये जो मिसअंडरस्टूड एनर्जीज है ना वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं. आप पहले क्या हो रहा था, आप किसी को कुछ भी कह रहे थे, आप कह किसी डायरेक्शन में रहे थे, लोग समझ किसी डायरेक्शन में रहे थे, और अब ये जो कम्युनिकेशन गैप का टाइम है ना वो ख़त्म होने वाला है. ओके बहुत अच्छी चीज़ है ये और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पर नज़र आ रही है. सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है. आपकी जो मिजरेबल सिचुएशन रही है आप उस सिचुएशन से आगे की तरफ को मूव ऑन कर रहे हैं और
जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन है यहाँ पर, ओके और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन बहुत अच्छी साबित होगी। ये आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर अगर कोई आप फॉरेन जाना चाहते हो या कुछ ऐसी प्लानिंग है आपकी, तो उसमें आप सक्सेसफुल होगे, ओके और हेल्थ के टर्म्स में अच्छा टाइम है ये, क्योंकि टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर में आप एंटर करने वाले हो। फॉरेन जाना चाहते हो डेफिनेटली उसके चांसेस हैं, अपने ट्रांसफर चाहते हैं उसके चांसेस हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जी अप्रैल की आपके लिए निकल कर आई है। और एक चीज़ और है, इमोशनल होकर डिसीजंस मत लीजिएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जॉब में प्रमोशन के चांसेस जैसे कि हैं, तो उसे भावुकता से अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको प्रमोशन मिल रही है, वेल एंड गुड। अगर आप प्रैक्टिकली एनालाइज़ करते हैं कि आपको कहीं और बेटर जॉब का ऑप्शन मिल रहा है, चाहे पे स्केल कम है थोड़ा, तो वहाँ को स्विच कर जाइए। ऐसे एटमॉस्फेयर में स्विच करिएगा जहाँ पर कम से कम आपको टेंशन ना हो, बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। एग्ज़ाम के टर्म्स में टाइम बहुत अच्छा है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक नई शुरुआत होने जा रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में आप ग्रो करेंगे। वैसे भी ओवरऑल जिंदगी की एक नई शुरुआत है जहां पर आप अपना होल्ड बना पाएंगे, सिचुएशंस को अपने तरीके से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। आपकी लव लाइफ के अंदर भी नई शुरुआत होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कमिटमेंट, न्यू बिगनिंग का वक्त है ये, ठीक है। मैरिज के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओवरऑल स्टेबिलिटी की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जीज हैं। हेल्थ का अगर कोई इशू है जिससे आप बहुत लंबे टाइम से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर अप्रैल के मंथ में कुछ इम्प्रूवमेंट होने के यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप ओवरऑल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। फाइनेंसिस के टर्म्स में तो 100% स्टेबिलिटी है। एनर्जी बहुत ही परफेक्ट एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है और आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे। आप अपने अराउंड लग्जरी को फील करेंगे। लव लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। और आप अगर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 100% उसमें सक्सेसफुल होंगे। गवर्नमेंट जॉब लगने के यहाँ पर चांसेस हैं, बहुत ब्राइट चांसेस हैं। सो अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा इस महीने के अंदर, ओके। पैसा, फाइनेंसेस, बहुत चीज़ों में नई शुरुआत होती हुई नज़र आएगी आपको। लेकिन आप ऐसा चाहेंगे कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा डिले और पोस्टपॉनमेंट होगी। वो डिले और पोस्टपॉनमेंट की एनर्जी सिर्फ इस वजह से होगी क्योंकि हर एक साइकिल जब नए तरीके से शुरू होता है तो उसे थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा चीज़ों को उस तरह से सेटल होने में, लेकिन ओवरऑल चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। आपके हर एक स्फीयर में आपको स्टेबिलिटी महसूस होगी, ओके। और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, बिकॉज जब हम सही एनर्जीज में आना शुरू करते हैं ना, तो हम कई बार सोचते हैं कि चीज़ें बस अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है, थोड़ा आराम आराम से आपको चलना होगा। द कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। काफ़ी इमोशनली खुद को सैटिस्फाइड फील करेंगे आप और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त स्पेंड करेंगे और रेनबो की एनर्जीज को आप इंजॉय करेंगे इस मंथ में। चाहे आपकी जॉब है, बिजनेस है, हर एक चीज़ में आप खुद को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड फील करेंगे, ओके। ओवरऑल गुड एनर्जी, कोई स्ट्रेस एंजाइटी की एनर्जी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। कोई मेजर हेल्थ इशू भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। सो ये जनरलाइज रीडिंग है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं पीछे हैं। ये हाईएस्ट एनर्जी है टॉरस पीपल, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया वो डेफिनेटली इन एनर्जीज तक पहुंचेंगे। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में पीछे हैं। पिछले मंथ की एनर्जी को देखिए, वहाँ पर मैं मोड ऑफ एक्शन देती हूँ, उस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए, आप इन एनर्जीज में डेफिनेटली आ जाएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ओके। सो लेट्स सी आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, लेट्स सी दैट। सो टॉरस पीपल, अब देखते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है अप्रैल 2021 के लिए। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर टॉरस पीपल फॉर अप्रैल 2021? व्हाट आर द एनर्जीज फॉर टॉरस पीपल
फॉर अप्रैल 2021. आई टेक आउट द रैंडम कार्ड्स. समर स्लैश विंटर. ओके, व्हाट एल्स? द किंग ऑफ रोज़ेस. ओके, व्हाट एल्स? द सैंड्स ऑफ टाइम. ओके, द ओरेकल ऑफ डेल्फी. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एडसम का कार्ड है. सो टॉरस पीपल, बहुत ही क्लियर एनर्जी है. ये वो वक्त आ गया है जहाँ पर आपका वक्त बदल रहा है. ठीक है, पहले भी एक चेंज आया था लेकिन तब आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए थे. मेंटेन का मतलब ये है आप अपनी हायर सेल्फ में खुद को रख नहीं पाए थे, बैलेंस की एनर्जीज में खुद को नहीं रख पाए थे. इस वजह से कहीं ना कहीं आपको फिर थोड़ा सा स्ट्रगल देखना पड़ा है. और आपका वक्त फिर वही वक्त है जब आपकी लाइफ की कोल्ड एनर्जीज ब्लॉसमिंग एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही हैं. तो चीज़ें बदलेंगी इस महीने आपके लिए. अच्छा वक्त आ रहा है. अच्छे वक्त की पहचान आपको अप्रैल की स्टार्टिंग से ही होने लग जाएगी. कुछ लोगों को मार्च के एंड में ही महसूस होगा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं आपके लिए. ओके, सो बहुत अच्छी एनर्जी है. द अदर कार्ड ओवर हियर इज द किंग ऑफ रोजेस का कार्ड है. आप इस महीने में अपने अच्छे और बुरे जो बिहेवियर को है उसको डिस्टिंग्विश खुद से कर पाएंगे और अपने आसपास के लोगों का बिहेवियर भी डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. आप समझ पाएंगे कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है. सो काफ़ी इमोशनल भी आप रहने वाले हैं लेकिन इमोशनल रहते हुए भी आप चीज़ों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे. आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि दोबारा से स्ट्रगल की एनर्जी में आप डेफिनेटली नहीं एंटर करना चाहेंगे. तो इस वजह से आप काफ़ी चीज़ों को एनालाइज भी करेंगे. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एनालाइज करते हैं क्योंकि अगर लाइफ में बार बार कुछ डाउनफॉल आप देख रहे हैं तो चीज़ों को एनालाइज करना ज़रूरी हो जाता है. द अदर कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है. आप जो इंतज़ार कर रहे थे, पता नहीं कब वक्त बदलेगा, पता नहीं कब चीज़ें ठीक होंगी, होंगी भी कि नहीं होंगी, वो जो वेटिंग गेम है वो यहाँ पर ओवर होती हुई नज़र आ रही है. वक्त बदल रहा है लेकिन अब क्या काम करना है आपको? आपको इस बैलेंस को अटेन करके रखना है. अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से आपका एक टेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा. तो अहंकार की एनर्जीज में ऑपरेट मत कीजिएगा. आपके लिए फिर अच्छा टाइम शुरू हो रहा है लेकिन इस वक्त को संभाल लीजिएगा. ओके, सो द अदर कार्ड ओवर हियर इज द ओरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड है. आप अपनी हायर सेल्फ के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे अप्रैल के महीने में और आप एक्चुअली अब दोबारा से लोअर एनर्जीज में नहीं जाना चाहेंगे. तो उसकी वजह से आप खुद ब खुद अपने आप को इस हायर एनर्जी के साथ कनेक्टेड रखने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ में और चीज़ों को सीखते जाएंगे. आपको विश्वास नहीं होने वाला है अप्रैल में कि आपके लिए वक्त सही हो रहा है क्योंकि एक डर बैठ जाता है ना दिल में, उस तरह का यहाँ पर डर दिखाई दे रहा है जो कि अच्छा है. उसी की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी जो हायर एनर्जीज हैं उन्हें मेंटेन कर पाएंगे. ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज एडसम का कार्ड है. आपके एंजल्स, आपके इंसिस्टर्स, आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं. शर्त क्या है? शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको ये हेल्प मांगनी है और आपको इस हेल्प को मांगने का तरीका आना चाहिए. ठीक है, आप एक बार हेल्प मांगेंगे आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि आपको हेल्प एट हैंड अवेलेबल है अप्रैल के महीने में. सो जहाँ पर भी कोई कन्फ्यूजन होती है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं और आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है तो डिवाइन से, एंजल से, अपने एंसेस्टर्स से आप हेल्प मांगिए. डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी. हेल्प एट हैंड है. अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहिए. वक्त बदल रहा है, यकीन मानिए इस चीज़ का, और आप अच्छे टाइम में एंटर कर रहे हैं. सो आई होप आपको क्लियर गाइडेंस मिली हो. अब आपके लिए मोड ऑफ एक्शन देखते हैं टॉरस पीपल, कि क्या मोड ऑफ एक्शन होने वाला है आपके लिए जिससे आप अपनी हायर एनर्जीज को मेंटेन रख पाएं. सो लेट्स सी टॉरस पीपल, आप लोगों के लिए मोड ऑफ एक्शन फॉर अप्रैल 2021. व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर टॉरस पीपल फॉर
April 2021, what should be the mode of action for Taurus people for April 2021? Lok of wisdom ka card hai. What else? Experiencing grace ka card. Ancestor spirit ka card hai. Phases and cycles ka card hai. And bottom of the deck par light activation ka card hai. Ye card definitely aana tha. Theek hai. आपका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एक दोबारा से इसी साइकिल में एंटर कर गए थे जहाँ पर आपने लोअर फेस देखा है. एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, हर अंत के साथ ही नई शुरुआत होती है. आपकी ज़िंदगी की जितनी भी इल्यूजन्स हैं अब शायद आपको समझ आ गई हो, रिवील हो गई हो, आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी. तो ग्रेसफुली चलिएगा, अपने आप को अब भी भ्रमित करने की ज़रूरत नहीं है. अगर अब भी आप अपने आप को भ्रमित ही रखेंगे तो इसका मतलब आपने अपने साइकिल से कुछ भी नहीं सीखा है. तो इस नए साइकिल को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आगे की तरफ को लेकर जाना है. सो द अदर कार्ड ओवर हियर इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है. देखिए यहाँ पर ये पूरा काल चक्र है, ये आपके लिए रिपीट हुआ है. ठीक है, ये जब स्नेक की टेल उसके मुंह में होती है तो एक पूरा काल चक्र होता है, वही चीज़ आपके लिए रिपीट हुई है. अब आपके पास आपके सारे सवालों के जवाब होंगे जो कि शायद आपने पिछले साइकिल में सीखे नहीं थे. आपने जो कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा है उसके ऊपर विश्वास रखिए. ठीक है, सच्चाई के साथ चलिए. अगर फिर कोई चीटिंग करेंगे, कोई फरेब करेंगे या किसी के साथ किसी भी तरीके की जेलेसी रखेंगे तो डेफिनेटली आप लोअर एनर्जीज में दोबारा से चले जाएंगे. ठीक है, थर्सडे को हल्दी का टीका लगाना मत भूलिएगा और थर्सडे का आप फास्ट करें तो वो आपके लिए अच्छा है. द अदर कार्ड ओवर हेयर इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है. आप जो आप समझ के आए हैं, सीख के आए हैं, वो अपने गिफ्ट्स को सबके साथ शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर कीजिए. ठीक है, लोगों की हेल्प कीजिए, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं. और अगर आप लोगों में पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो आप तक पॉजिटिविटी डेफिनेटली आएगी. ठीक है, और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिए. जो भी आप मोड ऑफ एक्शन फॉलो कर पाए हैं, जिस तक आप इजीली अप्रोच करते हैं, जिस एनर्जी को मेंटेन आप कर रहे हैं, जिस भी मोड ऑफ एक्शन के साथ, आप उस एनर्जी को बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए. आपने जिस भी तरह से खुद को बैलेंस किया है उस मोड ऑफ एक्शन को आप कंटिन्यू करेंगे. ओके, द अदर कार्ड ओवर हेयर एज वाइट ईगल का कार्ड है. एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है. यहाँ पर पितृदोष नज़र आता है. आप अपने लाइनेज से कनेक्ट कीजिए. अमावस के दिन, नो मून के दिन आप अपने पितरों के नाम का दान कीजिए, उनके नाम का अन्न दान कीजिए, उनके नाम के कपड़े दान कीजिए, उनके नाम से दक्षिणा दीजिए. और उस दक्षिणा के साथ आप एक रुपये का सिक्का नहीं लगाएंगे. लाइक 10 रुपये देना चाहते हैं तो 11 नहीं करेंगे, 10 ही देंगे. ठीक है, और ये वो वक्त है जब आपको करना चाहिए पितरों का दान, बिकॉज वो चीज़ लगेगी इस टाइम पर. इस अप्रैल के महीने में आपको अपने पितरों के नाम का दान करना चाहिए. लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है. आप काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं इस महीने में. इस पॉजिटिविटी को आसपास के लोगों में फैलाइएगा. आपको आपकी हायर सेल्फ से कुछ आंसर्स आएंगे. आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहने वाली है. आपकी पॉजिटिविटी आपके चेहरे से झलकेगी. फ्राइडे के दिन इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा और वाइट कलर के कपड़े डालिएगा फ्राइडे को. ठीक है, इफ़ यू कैन. सो बहुत ही ईजी मोड ऑफ एक्शन है, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है, ये बैलेंस्ड एनर्जी को मेंटेन करना. तो इसे डेफिनेटली मेंटेन कीजिए. ठीक है, तो अब देखते हैं डिवाइन की क्या ब्लेसिंग और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. टॉरस पीपल, लेट्स सी दैट. डिवाइन के कुछ मैसेजेस, कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए टॉरस पीपल फॉर अप्रैल 2021. वॉट आर द मैसेजेस, वॉट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन for Taurus people for April 2021? What are the messages, what are the blessings? Okay, so the first card is Journey by Moonlight. Okay, ye card to aana hi tha.
इम्पास का कार्ड है. व्हाट एल्स? वास्ट विस्टास का कार्ड है. व्हाट एल्स? स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज रीजेनरेटिंग रेन का कार्ड है. सो टॉरस पीपल, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वक्त कभी भी सही नहीं होगा, तो आप मैजिक में अब बिलीव कीजिए. डेफिनेटली आपका वक्त सही हो रहा है. आप एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं. टैरो में जो येलो कार्ड होता है वो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड होता है. तो यहाँ देखिए कितना पॉजिटिव मून है आपके लिए. येलो मून है. सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए. डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मैजिकल होने वाला है. ओके, इम्पास की एनर्जी है. अपनी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कीजिए एंड रीडायरेक्ट कीजिए. मींस आप अपने बारे में नेगेटिव मत सोचिए. आप जो यूनिवर्स को देंगे वही आपको वापस मिलेगा. तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिविटी को ही रिफ्लेक्ट करना है ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें. इस बात का आप ध्यान रखेंगे. द अदर कार्ड ओवर हेयर इज़ वास्ट विस्टास का कार्ड है. अपने सोचने का दायरा बढ़ाइए. आप चीज़ों को बड़े स्केल पर देखिए. अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए. लोअर स्केल पे चीज़ों को मत देखिए. आप जहाँ तक देख पाते हैं उससे भी आगे देखने की कोशिश कीजिए. चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे तरह से निकल कर आएंगी. अपनी सोच को बढ़ाइए. अपने सोचने के तरीके को एक्सपैंड कीजिए. ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज स्टेपिंग इनटू पावर. आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं. डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि अब अपनी ज़िंदगी की कमांड को अपने हाथ में लीजिए. पावर में आ जाइए. आप अब हर चुनौती के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ते जाइए. अब पास्ट में क्या हुआ है उसे रिपीट करने की कोशिश मत कीजिए. आप उस एनर्जी से बाहर निकल जाइए और अपनी लाइफ को जिस तरीके से डिवाइन चाहते हैं उस तरीके से आगे की तरफ को बढ़ाइए. रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है. ये आपके लिए क्लियर मैसेज है. जो आपके पास्ट में हुआ उसे क्लियर कर दीजिए और अपने प्रेजेंट को हील कीजिए. अपने आप को हील कीजिए. अपने आप को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए. आप अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग कीजिए. मेडिटेट कीजिए. पास्ट में ये हुआ, दूसरा इंसान मेरे साथ ऐसे कर रहा है या मेरी लाइफ में तो ऐसा ही होना लिखा है. इन बातों से बाहर आ जाइए. खुद को हील कीजिए. सो आई होप टॉरस पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो. नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा. अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. हो सकता है कि किसी को मेरी वीडियो से अपनी लाइफ को लेकर मोटिवेशन मिल सके. सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो. अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपने किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून.